कल अंतिम चरण और आखिरी चरण का मतदान होना है और चुनाव प्रचार कल खत्म हो गया था। इस चुनाव प्रचार के दौरान पक्ष और विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की तरफ से एक दूसरे पर कई आरोप और प्रत्यारोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में हुए जम्मू कश्मीर में विकास को मुद्दा बनाया और उन्होंने पुरानी सरकारों के दौरान जम्मू को इग्नोर करने का आरोप लगाया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस ने ये कहा है कि उनके शासनकाल के दौरान भी जम्मू खित्ते का विकास किया गया। क्या है असल राय यहाँ पर, इस समय हम जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं, हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा ये बनाया कि पुरानी जो सरकारें थी उनके कार्यकाल के दौरान जम्मू खित्ते को इग्नोर किया गया। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप सही है? देखिए, कुछ हद तक तो ये सही भी है। अगर आप देखें तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या था कि जो सबसे टॉप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है सिविल सर्विसेज का, तो उसको KAS करके पुकारा जाता था, और टेक्निकली देखें तो वो JKS होना चाहिए। जम्मू को इग्नोर किया जाता था, और जो पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड टेरिटरी है तो उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जा रहा था, यानी कि जम्मू के जो ऑक्यूपाइड एरियाज थे उनको भी जो है वो नहीं, उसमें पिक्चर में नहीं लाया जा रहा। तो अब जाके टर्मिनोलॉजी जो है थोड़ी बदली है, अब जाके POJK हुआ है। तो जो और रिक्रूटमेंट में भी देखें हम तो वहाँ पे भी जो है तो ज़्यादा शेयर जो है वो कश्मीर का रहता, तो अब देखें तो अब चीज़ें फेयर हो गई हैं, जो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अप्लॉडेड। आपको लगता है कि जो BJP जो आरोप लगाई है चुनाव प्रचार के दौरान, क्या उसमें कोई सच्चाई है या फिर नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का दावा सही है? नहीं, इसमें जो BJP ने इल्ज़ाम लगाया है कुछ हद तक ये सही है। जैसे कि पहले जम्मू रीजन को पूरा इग्नोर किया जाता था, काफ़ी हद तक 100 में से 99% जो था जम्मू रीजन इग्नोर किया जाता था, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स आती थी सारी कश्मीर में जाती थी, जितने भी फंड्स आते थे सारे कश्मीर में, जितने भी टूरिज्म के लिए चीज़ें आती थी वो सब कश्मीर में जाता था। जम्मू रीजन की डेवलपमेंट हो ही नहीं रही थी। जैसे हमारे पास किश्तवाड़, हमारा जो रीजन है वहाँ पे वाड़ वन वैली है, वो इतनी सुंदर है, वहाँ तक अब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। उसके बाद जैसे स्किम्स है जो हमारे पास, वो कश्मीर में है। हमारे पास यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं था, वो अब जाके पिछले 5 साल में यहाँ पे हमारे पास एम्स आया है विजयपुर में, IIM आया है, IIT आया है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि हमें दिख रहा है कि डेवलपमेंट जम्मू रीजन की हुई है पिछले 5 सालों में। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो आरोप जो पार्टियों के बीच में, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियों के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, क्या उसमें सच्चाई आपको लग रही है? पहले तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कांग्रेस ने जो आज तक जम्मू कश्मीर के साथ किया है, सभी को पता है उन्होंने क्या किया हुआ है। जम्मू कश्मीर का उन्होंने पूरा बेड़ा गर्क किया है, स्पेशली जम्मू का। जम्मू को इस तरह से निगलेक्ट किया जाता था जैसे जम्मू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उनके लिए सिर्फ कश्मीर था और वही एग्जिस्ट करता था। जम्मू को तो वो ऐसे बोलते थे जैसे जम्मू इंडिया का पार्ट ही नहीं है, वो एक अलग है। अब जाके यहाँ पर कहीं एम्स आया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आया हुआ है। पहले कहाँ था ये सब चीज़ें? आज भी इन लोगों के माइंड में यही है कि सिर्फ कश्मीर का डेवलपमेंट होना चाहिए। सपोज कर लो कि सेंट्रल सरकार जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए बेची है 100 करोड़। पहले क्या होता था, 100 करोड़ में से 90 करोड़ जाता था सिर्फ कश्मीर। जम्मू को कितना मिलता था? सिर्फ 10 करोड़। क्यों? क्या जम्मू एग्जिस्ट नहीं करता है? जम्मू क्या इंडिया का पार्ट नहीं है? कश्मीर के साथ नहीं मिला जुला है? इन लोगों की यही एक मानसिकता रही है कि जम्मू को निगलेक्ट करो और कश्मीर की डेवलपमेंट करो। इन्होंने तभी बोला कि हम पाकिस्तान से देखिए जिस प्रकार से जम्मू संभाग के साथ पहले 113 बिहेवियर जो था वो किया जाता था वहाँ की राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो पहले सत्ता में रही हैं। पहले क्या होता था कि अगर जम्मू को कुछ भी चाहिए होता था तो जम्मू को छीन के लेना पड़ता था, जम्मू को मांग के लेना पड़ता था। अब क्या है कि डायरेक्ट अगर कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा था वो जम्मू के लिए भी आ रहा है, कश्मीर के लिए भी आ रहा है। जम्मू को हमेशा से निगलेक्ट किया जाता था, पहले थोड़ा ज़्यादा किया जाता था, अब थोड़ा कम किया जा रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि टोटली ख़त्म हो गया। अगर हम रिसेंट एक बात करें, एक एग्जाम्पल आपको बता दूँ मैं, तो जो G20 समिट था वो कश्मीर में हुआ, क्या जम्मू में नहीं हो सकता था? वो ये छोटे मोटे जो इश्यूज हैं वो एग्जिस्ट करते थे कहीं ना कहीं। और अगर मैं बात करूँ एक बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो हम एज अ यूथ और एज अ स्टूडेंट हम इन्हीं मुद्दों पे वोट करेंगे कि जम्मू का जो विकास करेगी पार्टी, राष्ट्र का विकास करेगी, एक राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी को हम वोट करना चाहेंगे। और हम यही चाहेंगे, काफ़ी समय से जम्मू के अंदर एक हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो हम ये एक एज बीइंग अ हिंदू और एज ए स्टूडेंट भी हमारी ये डिमांड है कि एक डोगरा या एक हिंदू मुख्यमंत्री इस बार जम्मू कश्मीर को मिले। नौजवानों से जुड़े मुद्दे की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि नौकरियों या फिर शिक्षा को लेकर जो जम्मू क्षेत्र के जो नौजवान हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ?
देखिए ये काफ़ी पहले से होते आ रहा है, जैसे कि NIT जो बनाया वो कश्मीर में दिया गया था, हमको जम्मू में नहीं दिया था, रोड देते बिल्डिंग वगैरह टूरिज्म तक सारा कश्मीर को दिया गया है। आजकल हमको एम्स मिला है, जैसे कि कठुआ में आपको एम्स खुला है, अपना IIT IIM बना है, IIIM बना है जम्मू में, यहाँ तक एक्सप्रेसवे बन रहा है जो दिल्ली तक का कनेक्टिविटी हो रही है, यहाँ तक हमारे एरिया किश्तवाड़ में पहले इतना डेंजरस एरिया होता था, वो वहाँ पे एक सिंगल गाड़ी नहीं चल पाती थी, तो आज वो काफ़ी वाइड हो चुका है और हमारी मचेल माता काफ़ी फेमस है, मतलब पूरे जम्मू में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, उसका कभी प्रमोशन नहीं की। बिल्कुल और हमारे होम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर रिसेंटली आए, उन्होंने बोला कि हम इनको काफ़ी मतलब नेशनल स्तर पे आपको थोड़ा प्रमोट करेंगे, हमारा टूरिज्म बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से हमको भी कई सारे ऐसे स्थान हैं जम्मू खत्ते में जिनको प्रमोट किया जाना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन सरकारों के कार्यकाल में उनको प्रमोट नहीं किया गया, जिससे जम्मू खत्ते को काफ़ी नुकसान मिला है। जी काफ़ी, देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि 2013 में मैं श्रीनगर गया था रिक्रूटमेंट के लिए, तो उस टाइम पर जब हम रिक्रूटमेंट के लिए गए थे तो हमें बिल्कुल भी आर्मी एरिया से बाहर नहीं आने दिया जाता था, और मेरे साथ वहाँ पे कुछ ऐसे नुमींदा पर्सन थे जो मतलब कि मुस्लिम कैटेगरी से फॉल करते थे, बट उनको भी ये चीज़ का डर रहता था, वो घर से मतलब कि चोरी आते थे रिक्रूटमेंट के लिए, घर पे बता कर नहीं आते थे कि अगर किसी को पता लग गया तो वो उल्टा हमें मारेंगे धमकाएंगे कि आप लोग आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं। तो देखिए अभी ये सारी चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में आई हैं, तो काफ़ी ये सब मतलब कि अब ये सारा काम करने का जो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आप जैसे कि सभी जानते हैं कि ये BJP के आने के बाद ये सारी चीज़ें माहौल सुधार में आया है। आपको लगता है कि क्या कोई इम्प्रूवमेंट हुई है? देखिए ये जो जम्मू को लेकर के बात चल रही है ना, ये तो बहुत पुराने समय से चलती आई, अपने महाराजा हरि सिंह जी थे तो उस समय से ये चीज़ें चलती आई। जब जम्मू की बात आती थी तो कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जो हमारे डोगरा रूलर थे उनका अपमान इन्होंने जिस तरह किया, NCPDP ने इन्होंने जिस तरह अपने राहुल गांधी ने जिस तरह आकर के महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बातें की, तो वो एक डोगरा को अपमानित किया गया वहाँ पर। और जब बात करें कि विकास की, तो विकास को लेकर के हमेशा आज तक जो जम्मू को एक पीछे रखा गया, पीछे किस तरह रखा गया, जैसे जब भी कुछ सरकारें थी, जो भी सरकारें थी वो आज तक कितनी सरकारें थी, हमेशा कश्मीर डोमिनेटेड सरकारें थी। हम सेक्टेड की बात करें तो 7 महीने सेक्टेड कश्मीर में रहता था और 5 महीने जम्मू में रहता था, जिसमें से 2 महीने आप काट दो आने और जाने के कट जाते थे, कई बार काम नहीं होता था, हमें अपने काम लेकर के कश्मीर जाना पड़ता था, तो हमें 4-4 दिन 5-5 दिन वेट करना पड़ता था कि हमारे काम होंगे, पहुंचने में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आज के समय पर जो BJP की गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ है, आज दोनों जगह पर सेक्रेट है, हम अपना काम यहां पर कर सकते हैं, और अगर हमें श्रीनगर जाने की भी ज़रूरत है तो आज इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं, इतनी टनल रोड्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि हम विद इन अ डे अपना काम करके वहाँ से ख़त्म करके सेक्टर का काम करके वापस आ सकते हैं। और इसके अलावा बड़ी सारी जो अपना रियासी में पुल बना है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइएस्ट पुल है, रेलवे पुल है, वो जम्मू में बना है, तो एम्स को लेकर हर चीज़ वहाँ पर एक विकास BJP ने किया है।